कल हम लोगों ने लेक्चर 21 कंप्लीट किया था, उसका असाइनमेंट भी लिया था। लेक्चर 21 में हमने मानवीय आचरण के एक स्वरूप को देखा था कि मुझमें स्वयं में अनुभव की क्रिया जागृत होती है, जिसका प्रमाण मुझे जीने में मिलता है। पहले स्वयं में मिलता है, फिर परस्परता में मिलता है, और उसके विस्तार को देखें तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा तक जाता है। तो एक तरीका यह है देखने का मानवीय आचरण को। तो अनुभव अगर आधार में है तो उसका प्रमाण मुझे सहज रूप से मिलता ही है। पहले स्वयं की क्रियाओं में मिलता है कि मेरी हर क्रिया पूर्ण हो जाती है। अनुभव के अभाव में संपृक्तता को न देख पाने के कारण उसमें एक अपूर्णता थी, आंशिकता थी। अब वो अनुभव की क्रिया के साथ पूर्ण हो गया। अब मुझे स्पष्ट रूप से सब कुछ जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है। पूरी प्रकृति के स्वभाव, धर्म, परम धर्म को मैं देख पा रहा हूँ। स्वयं को मैं शून्य में संपृक्त देख पा रहा हूँ। शून्य के माध्यम से मैं पूरे अस्तित्व के साथ अपनी परस्परता को देख पा रहा हूँ। उसका सहज रूप से मुझ में प्रमाण मिलता है। मुझ में सुख, शांति, संतोष, आनंद की स्थिति बनती है। मेरा भाव विचार इसी सह अस्तित्व के अर्थ में होता है। वैसा ही जब मैं निर्वाह करने जाता हूँ तो व्यवहार में उभय सुख होता है, उभय समृद्धि होती है। भागीदारी करता हूँ, मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है, और ये जो मेरी भागीदारी है ये मानवीय परंपरा तक जाती है। ये एक मॉडल था जिसको हम लोग डिस्कस किया था। उसको लेकर हम लोग कुछ असाइनमेंट भी लिए थे। जैसे एक प्रश्न ये था कि हम अभी अपने आचरण को देखें और देखें कि ये मानवीय आचरण के अनुरूप है कि नहीं। तो इसके उत्तर में देखें तो अनुभव की क्रिया अगर जागृत नहीं हुई है तो पूरी तरह से अनुरूपता तो नहीं दिखाई देगी, ये तो निश्चित बात है। बट अभी अनुभव की क्रिया के साथ जो स्थिति बनती है कल्पनाशीलता की, उसके कितने अनुरूप है, मेरा भाव कितना सम्यक, कितना सहज से स्वीकार है, विचार कितना ठीक है, व्यवहार कितना ठीक है, ये सब देखना बनता है। ये भी देख सकते हैं कि जहां जहां हमारा आचरण अभी मानवीय नहीं है ना, उसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या उसमें हम परिमार्जन के लिए, सुधार के लिए क्या योजना कार्यक्रम बना रहे हैं। ये भी देख सकते हैं कि अभी हमारी भागीदारी मानवीय आचरण के साथ किस सीमा, क्या स्कोप है उसका। तो हम अभी परिवार तक भागीदारी कर रहे हैं कि समाज में भी कर रहे हैं, कि राष्ट्र के स्तर पर कर रहे हैं, पूरी प्रकृति के स्तर पर कर रहे हैं, अस्तित्व के स्तर पर कर रहे हैं, ये सब देखने की बात है, मुद्दा है हम सबके लिए। और अच्छी बात यह है कि एक बार हम इस प्रक्रिया में आ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्वयं में भी गति बढ़ता जाता है और परस्परता में भी उत्तर उत्तर हमारे को एक विकास दिखाई देता है। ये भी देखने का था कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम संबंध को देख पाते हैं कि नहीं, और उनके साथ हम सही भाव को सुनिश्चित कर पाते हैं, जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, और हम उनके साथ हर बार रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो मानवीय आचरण को संपूर्णता में देखें तो अनुभव आधार में है, उसके साथ मानवीय परंपरा तक हमारी भागीदारी। बट अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां से हम अलग अलग तरीके से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अपने प्रति सजग हो सकते हैं, किसी भाग को ध्यान देकर ठीक से उसमें परिमार्जन के लिए काम कर सकते हैं, है ना। जैसे यही रिएक्शन रिस्पॉन्स की बात है। मुझे अगर लगता है किसी एक व्यक्ति के साथ मैं बार बार रिएक्ट कर जाता हूँ, उसी को पहले मुद्दा बना ले, उसी पे ध्यान दे, किस व्यक्ति के साथ रिस्पॉन्स क्या होगा, मेरे भाव में ऐसा क्या है कि मैं बार बार रिएक्ट कर जाता हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता कि नहीं। भागीदारी को लेकर जब मैं विचार करता हूँ तो क्यों मैं कहीं पे फैल पाता हूँ, कहीं पे जाकर रुक जाता हूँ, कहाँ मैं ऐसा मान लेता हूँ कि नहीं यहाँ मेरा भागीदारी करना ठीक नहीं है। ये सब अपने आप में जांचने की बातें हैं। और इसको एक विधिवत अगर हम लेके चलें, जर्नल में लिखते चलें, है ना, तो जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया वो सब इसे कनेक्ट होगा। अपने संस्कारों के बारे में हमारी सजगता बनेगी, अपने आचरण को लेकर जब हम सजग होते हैं तो हमें उसके आधार में जो विचार चल रहा है, विचार के आधार में जो भाव है, भाव के आधार में जो संस्कार है, और संस्कार में जो परिमार्जन की आवश्यकता है, उन सब पे हम ध्यान दे पाते हैं। और इस पूरे क्रम में अच्छी बात यह है कि हमारा सुख बढ़ता जाता है, हमारे अंदर समृद्धि का भाव बढ़ता जाता है, संबंधों में जो तृप्ति है वो बढ़ती जाती है, हमारा स्वास्थ्य पहले से बेहतर होता जाता है, भय हमारे अंदर, शंका,
आशंका ये सब कम होती जाती है। जी तो कल के असाइनमेंट को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो शेयर कर सकते हैं। कल हम लोगों ने किसी एक मुद्दे पे ध्यान दिया, ठीक से ध्यान दिया, और उसमें कुछ अपने को लगता है कि कुछ गति दिख गई है तो उसको भी शेयर कर सकते हैं संक्षेप में। या मैं अगर अपने ये अपने आप को एक्सप्लोर करूँ ना, तो इनिशियली जब ये यूएचपी स्टार्ट हुआ था तो मुझे लगता है कि हाँ प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो रहा था और भाव में परिवर्तन भी हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा था। और पर मैं अभी लास्ट वन मंथ का अपना प्रोग्रेस देखूं तो एकदम डिप डाउन प्रोग्रेस लगता है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था कि संस्कारों में परिमार्जन हुआ है पर बिल्कुल नहीं हुआ है, कतई नहीं हुआ है। और काफी सारे इवेंट्स में ना जो आप बोलते ना लिटमस टेस्ट वाला चीज है तो वो तो अभी सारे के सारे नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा लगता है कि चलो मैं ये देख पा रही हूँ कि हाँ नहीं हुआ है, कोई परिमार्जन नहीं हुआ है, वो सिर्फ सूचना मात्र था जो मुझे पहले के प्रोग्रेस में नजर आ रहा था कि हाँ हो रहा है काफी। उसमें बहुत खुशी भी हो रही थी पर अभी जो जो चीजें दिखती हैं तो लगता है कि नहीं यहाँ पे बहुत मतलब सीरियसनेस आ जा रहा है मेरे अंदर कि क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या कमी कहाँ रह जा रही है। ये भी पता चल रहा है कि संस्कार जो मेरे अंदर डीप रूटेड संस्कार है चेंज तो नहीं हुए, कोशिश तो की है पर चेंज नहीं हुए हैं। क्योंकि इवेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाते हैं, उसके बाद सोच के वापस से चीजों को क्लियर करना और उनको वापस से स्थिति को नॉर्मल करना वो कहीं कहीं पर तो ठीक बैठता है पर कहीं कहीं पर फिर वो जाते तो ठीक करने हैं पर आते फिर झगड़ के चले आते हैं। वो वाली चीज भी कंटिन्यूएशन में बनी हुई है तो बड़ी पैथेटिक कंडीशन हो रही है अब। मतलब जानकारी होने के बाद जी चेक करते हैं अपने आप को तो लगता है कि नहीं गेन तो कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअली तो कुछ नहीं हुआ, शायद कहीं हुआ होगा पता नहीं। वो उतना जहाँ हुआ है वहां पे कंफर्टेबल नजर भी आता है, वहां पे कुछ खुशी होती भी है पर वो इवेंट हो जाने के बाद होती है भैया, उस पे काम करने के बाद होती है। पहले बड़े अच्छी बात यह है कि इसको आप ऑब्जर्व कर पा रही है और ये भी अच्छी बात है कि अपना सही मूल्यांकन करने का प्रयास कर रही है उसको अधिक कम मानने के बजाय, तो एक अच्छी बात है। तो मतलब बहुत ही सीमित समय में सारा कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है, तो ये व्यवहार में चूक हो रही है क्योंकि विचार में चूक है। तो ये हो सकता है कि इन पूरे वस्तु को सुनते हुए और अभ्यासों को करते हुए अभी उस गहराई तक हमारा ध्यान नहीं गया है। तो जनरली ऐसा होता भी है कि जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं और एक्सप्रेशन को हम ठीक करने लगते हैं। तो एक्सप्रेशन तो आप अगर एक थोड़ा सा ऐसे देखें तो जैसे जो पौधे में फूल खिल रहा है या फल बन रहा है, फल को देखें तो एक्सप्रेशन में है, वो फल के आधार में देखें तो कहीं उसका फूल है, फूल के आधार में देखें तो उसका तना है और तना के आधार में देखें तो जड़ है। तो पूरा ऐसा आपको दिखाई देगा कि अभी हमारा ध्यान तो फल पे गया है कि जो फल आ रहा है वो ठीक नहीं आ रहा है, है ना, उसके आधार में क्या है, उसकी उसके आधार में क्या है। तो जो हमारा व्यवहार है उसके कारण जो फल परिणाम है ये सब तो अभी एक्सप्रेशन में आ रहा है, उसके आधार में जो विचार है, विचार के आधार में जो भाव है, भाव के आधार में जो संस्कार है उसको ठीक से देखना है। तो गति हमारी ऐसी बनती है, हमने एक्सप्रेशन को तो देखा, अब उसके और आधार में देखें कि क्या विचार चलता है हमारे अंदर, उसको नोट करें। तो जैसे अगर ऐसी चूक हो गई कहीं पे, वाद विवाद हो गया, तर्क वितर्क ज्यादा हो गया, है ना, परेशानी हो गई, हम देखें वहां क्या विचार चला था, फिर विचार के पीछे क्या भाव था वो देखें हम, और अपने आप से पूछें भी कि क्या मैं अगले व्यक्ति को सुखी करना चाहती हूँ या दुखी करना चाहती हूँ। तो जो संस्कार बना हुआ है वो उभर उभर कर आने लगता है कि जैसे ही मैं अपने आप में इस बात को देखने का भी प्रयास करता हूँ या करती हूँ कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या मेरे अंदर भाव बनने लगता है, क्या इरिटेशन परेशानी है, क्या हमारे अंदर मानना बनी हुई है, वो सब चीजें हमारे को स्पष्ट होने लगती हैं। तो और उसको बारीकी से करना होगा और सजगता से करना होगा।
ये नॉर्मल सिचुएशन में मैं अगर अपने आप को देखू ना, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ टाइम आई एम ब्लैंक, और उसके बाद वाला स्टेट आता है कि मोस्ट ऑफ टाइम आई एम इन अपोजिशन, और थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद लगता है कि नहीं, थोड़ा फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप भी है कहीं पर, ऐसा भी। ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए इसको बारीकी से हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको इग्नोर ना करें, बारीकी से ऑब्जर्व करते रहें, इसको नोट करते रहें, और ये भी दिखाई दे कि ये एक दिन दो दिन का काम नहीं है। अब ये गहरे गहरे संस्कार हमने पूरी उम्र लगा के बनाए हैं, ठीक, तो उसको एक दिन में ही हम उसका मूल्यांकन कर लेंगे और उसमें परिमार्जन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समय लगता है, हम सबको समय लग रहा है, तो समय लगता है, उसमें हम अपने आप पे देख सकते हैं। बट अच्छी बात इसमें ये होगी कि अगर आप उसको जाकर उसके आधार में देखना शुरू करेंगी तो गति अच्छी बनती चली जाएगी। अगर हम उस आधार को ना देख पाए और वहां हम चीजों को माने रहें, है ना, उसको हम जस्टिफाई करते रहें, तो फिर परिमार्जन नहीं होगा। कई बार ये होता है, कई चीजों को हम जस्टिफाई कर लेते हैं, बहुत होता है भैया, अपने करने पे तो अपने करने पे इतनी जस्टिफिकेशन होते हैं कि ये इसलिए क्या था, क्योंकि ऐसा हो गया था, इतनी जस्टिफिकेशन होते हैं, वो जस्टिफिकेशन को लो डाउन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जी जी, तो जो जस्टिफाई करते हैं ना हम अपने इन ह्यूमन कॉन्डक्ट को, वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। जस्टिफाई ना करें, इनफैक्ट आप पाएंगे कि एक्सप्रेशन में तो हम करते ही करते हैं, अपने आप में भी करते हैं, ये व्यक्ति कभी नहीं समझेगा, है ना, ये व्यक्ति सुधरेगा तो ऐसे ही सुधरेगा। अब ये सब बहुत सारी चीज हम मान लेते हैं अपने आप में, ठीक, उसको अपने जैसा देख ही नहीं पाते हैं। दूसरों को भी नहीं भैया, खुद के लिए भी बहुत सारा जस्टिफिकेशन होता है कि उस वक्त मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ऐसा हो गया। हाँ, कोई ना, उसके पीछे हमारे अंदर भाव यही है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है, ये व्यक्ति, मैं तो प्योर हूँ अंदर से, मेरा तो नेचुरल एक्सेप्टेंस प्योर है ना, मैं तो बेसिकली एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हूँ, बट ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये तो गड़बड़ था, है और रहेगा, और इसको तो ऐसे ही ठीक करना पड़ेगा। ये सब हमारे अंदर बहुत सारा भाव में बैठा रहता है, संस्कार में बैठा रहता है। ठीक बोल रहे हैं जी जी, इसको ऑब्जर्व करें, बढ़िया दीदी, बढ़िया। और देखिए आप जब शेयरिंग करें तो कई लोगों ने ये बात रखी है कि हाँ ये बिल्कुल सिंसियर रिफ्लेक्शन है और सबके साथ ऐसा हो रहा होगा, तो किसी पॉइंट पे जाकर हम में से हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो ही रहा होता है। कोई थोड़ा इधर पार हो गया तो उधर जाके फंस गया, कोई उधर पार हो गया तो और आगे जाके फंस गया, ये सब तो है ही, है ना, इसी में तो समय लग रहा है। बट हम इसको एक मुद्दा बना लें, हम इसको इग्नोर ना करें, इसको मुद्दा बना लें कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने संस्कारों में परिमार्जन करना है, और परिमार्जन भी इसको नकारने से नहीं होगा, जैसा वैसा उसको स्वीकारने से और उसमें देखने से कि यहाँ मेरी सहज स्वीकृति क्या है, उस विधि से ही होगा। ठीक है भैया, ये जो ह्यूमन कंडक्ट वाला पार्ट है ना, वाकई इसको बहुत डिटेल में और बहुत मैग्नीफाई करके देखने की जरूरत है, एंड वी विल डू इट और ओवरकम होंगे भैया इस चीज। जी जी, बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो भैया? हम थोड़ा बहुत ये जो पॉइंट्स है ना उसमें थोड़ा हल्का बोल रहे हैं। The first point is that observe your conduct, current conduct, and investigate whether it is aligned to human conduct or not. भैया देखिए, पहले से हम लोग को फैमिली में मेरे पिताजी से ये सब अच्छा थोड़ा बहुत वैल्यू था, लेकिन बात क्या है ना, जे ये यूएचबी ज्वाइन करने के बाद बहुत क्लैरिटी आया, क्यों करेंगे, क्यों है ये सब बहुत, तो इसलिए बोल रहे थे जो कॉन्डक्ट जो है whether it is aligned to human conduct or not, ये most of the time I see है, लेकिन बहुत कुछ सुधारना है, बहुत कुछ करना है। ये तो अभी जो आप बोल रहे थे दीदी के साथ वो बात सही है, कभी कभी लगता है कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रस्ट का ऊपर में थोड़ा बहुत जो है मिसट्रस्ट होता है, लेकिन ये ह्यूमन कॉन्डक्ट अलाइंड है, जैसे सोचिए जैसे पहले से था फिर, लेकिन फिर भी और भी अच्छा है। जैसे सोचिए एक रिक्शा में चढ़े हैं, रिक्शा वाला थोड़ा से चौराई में जो है वो खींच रहे हैं, तब हम उतर जाते हैं, तो उसको फिर हम हेल्प करते हैं चढ़ने के लिए, फिर उसमें चढ़ते हैं, वो हंसता है देख के हमने, अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी है
को पैसेंजर है, इसका कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, हम अगर मेरा बगल में है तो हम तुरंत उसमें वो ध्यान देते हैं जितना इंसान से होता है। कलीग्स के साथ, कलीग्स कभी कभी लेके, कभी कभी हो सकता है वो अपना से मजाक करते, लेकिन आई डू नॉट हैव एनी, मतलब हम उसमें मिस्ट्रस्ट नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि हम अब तक, हम तो कोर्स कर रहे हैं, एक साल हो गया तो मेरा अभी तक पूरा नहीं होता है, तो उन लोग को कैसे होगा। वो ठीक है, मेरा कोई आजकल इरिटेशन नहीं होता, अगर कोई हमको दो गाली भी दे देता है, ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोल रहे मेरा मन में अभी ऐसे है, लेकिन हम उसमें रिएक्ट करते नहीं है एकदम, ये चल रहा है। उसके बाद जो आइडेंटिफाई द एरिया जो है यू कंडक्ट इज नॉट कम्प्लीटली ह्यूमन, डिटेल आउट व्हाट यू आर थिंकिंग टू डू अबाउट इट। तो हम जो बोल रहे हैं जो ऐसी हमें जो पूरा एकदम कम्प्लीटली इनह्यूमन ह्यूमन नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकता है अगर है भी मेरा माइंड में कोई, हम मेरा नजर में ऐसा नहीं होता है कि ना ऐसी हम ह्यूमैनिस्टी को ही चलने चाहते हैं, लेकिन फिर भी डिटेल आउट व्हाट यू आर थिंकिंग टू डू। तो ये बात है जो ये जो हम लोग को ज्ञान मिल रहा है, जो क्लैरिटी जो मिल रहा है, जो रिलेशनशिप का बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग का बात है, यूनिवर्सल जो ऑर्डर का जो बात है, ये सब मन में जो आ रहा है ना, तो इससे थिंकिंग टू डू अबाउट इट, मतलब और तो अच्छा करने का है और अपना आपको। अरे जो फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में आजकल बहुत ही सोच आता है, ये और कब तो क्या करेंगे, इसका बाद क्या करना उचित है, ये सब है, लेकिन मन में थोड़ा तो बहुत हो सकता है प्रॉब्लम है अभी तक, तो चल रहा है, लेकिन ये सब है, करने का भी कुछ है। एट प्रेजेंट व्हाट डू यू थिंक ऑफ स्कोप ऑफ योर पार्टिसिपेशन और कंडक्ट टिल व्हिच लेवल ऑफ योर लिविंग। ये फैमिली लेवल में बहुत तो आया है अभी, आपको पहले भी बोले जे मेरा मिसेस के साथ थोड़ा बहुत कुछ नहीं, उसके वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो सुनती नहीं है, लेकिन भैया हम आपको एक एग्जांपल देते हैं क्या है ना, इस बार वो एक महीना पहले आई थी इधर, तो एक महीना पहले गई तो उसके पहले आए थे दो महीना पहले इधर त्रिपुरा में, तो हम परीक्षित भैया को बोल के दो दफा उसको कोर्स कराए, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, परीक्षित भैया हमको लिंक दे दिया था, तो मालूम नहीं है जे वो बहुत लिखे हैं, मतलब बहुत कुछ लिखा है, कभी हिंदी कभी बांग्ला कभी इंग्लिश में, वो बहुत कुछ लिखे हैं डायरी में। हम उसको आने के बाद यूनिवर्सिटी से जे वो आज क्या सीखे हैं क्या क्या, तो वो बोलती थी, और पूरा नहीं होने से भी हम उसको जो क्या लिखा है उसको देख के कुछ तो पता चला, लेकिन एक बात बोल रहे हैं भैया, अभी हम घर गए थे 15 डेज पहले, क्या मालूम उनको ना इतना बिहेवियर बहुत अच्छा हुआ, आज कितना साल बाद हमको नहीं मालूम कि इसलिए वो मेरा पिताजी माताजी बहन सब लोग एकदम मतलब ये स्टंड हो गया है, जैसे कैसे हम बोला हो सकता है जे इसका कुछ असर पड़ा है, जे रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बहुत वो हो सकता है उसका मन में आया है, और एक्चुअली वो तो एडुकेटेड है, एमए पॉलिटिकल साइंस स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर इंचार्ज हिसाब से भी काम किए, लेकिन फिर भी उसका ये थोड़ा बहुत था, वो जो छोटा बड़ा ये सब है, तो लेकिन इस पर बहुत वो सुधार है। तो बोल रहे फैमिली भैया, फैमिली में मेरा ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, जो प्रॉब्लम था मेरा मिसेस के साथ, लेकिन वो तो यूज भी करने के बाद मेरा मन में बहुत भी चेंज हुआ ना, जो 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 कुछ करती है वो तो लाभ फॉर मी, नो डाउट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ जो संस्कार जो है पुराना उसमें उसको खींच खींच रहा है, तो लगता है भैया आप लोग का आशीर्वाद या भगवान का आशीर्वाद में जो चेंज है अभी, हम तो एकदम स्तंभित तो हो गया, जो कैसे मालूम नहीं है कितना दिन चलता है, लेकिन हम दो एक जो उसको होम्योपैथी में मेडिसिन देते हैं उसका नींद होने के लिए, सब उल्टा पुल्टा नहीं है, क्योंकि ना वो शर्मिला दीदी से बात भी किए थे एक बार, जो ऐसे मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये सब जो नींद जैसे होगा ऐसा ऐसे, इसलिए अच्छा सोसाइटी में मेरा भैया थोड़ा बहुत है, हम इधर उधर जो बगल वाला जो नेबर है वो पहले से ही था, और ये करने के बाद और भी मेरे मन में आया जे ये मेरा सर्विस देने का है, मेरा फॉर माय ओन डेवलपमेंट ऑफ द सेल,
लेकिन कंट्री में अभी हम कुछ नहीं बदलेंगे, लेकिन नेचर इसके बारे में भी थोड़ा बहुत और भी अच्छा मेरा क्लैरिटी आया है जी। मेरा जे करने के क्या, हम तो टीचर है, ये पहले हो सकता है स्टूडेंट्स लोग को भी पढ़ाते थे, लेकिन आजकल मेरा माइंड जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब। आपकी आवाज रुक गई भैया, क्लैरिटी आए। अच्छा फोर्थ नंबर में बोल रहे हैं, विद हाउ मेनी पीपल यू आर एबल टू सी एंड एक्सेप्ट योर रिलेशनशिप अनकंडीशनली एंड कंटिन्यूअसली। हम तो अभी देखिए एक्सपेक्ट, अगर किसी को हेल्प करते हैं और एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आप बहुत बार बोले ये भी मालूम है एक्सपेक्टेशन ऐसे नेचुरल है, होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अगर मेरा मन में अगर दुख पहुंच रहा है, अनहैप्पीनेस होता है, तो ठीक नहीं है। तो उसके बारे में भैया आजकल बहुत हम सोचते हैं, और जो हम जो करते हैं जो नेबर टेबर को कभी किसी को मेडिसिन का या कुछ हेल्प, वो लेकिन हम अनकंडीशनली करते, वो क्या करेंगे नहीं करेगा, वो कैसे सोचते हैं नहीं सोचते, वो हम नहीं दे देखते भाई। लेकिन ये है ट्रस्ट रेस्पेक्ट, ये हम ट्राई करते हैं जितना वैल्यूज, जो 9 वैल्यूज है भैया, ये बात है। तो बहुत ये यूएसबी ज्वाइन करने के बाद भैया ये जो बोलने का है, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। आज जो मिसेस के साथ अचानक मालूम नहीं है, ये बहुत दिन का बाद इस बार देखा है, हम आया एक हफ्ता पापा पहले, ये हम भी एकदम ये स्टैंड हो गया, ये कैसे आश्चर्य जो हो गया है, लेकिन है भैया। थैंक यू भैया, यही बोलने का था। बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने, काफी मोटिवेटिंग। जब इस पूरे कंटेंट को रखने के बाद जब शेयरिंग होती है, तो आप उसमें इन बातों को फिर से रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा, सभी के लिए उपयोगी रहेगा। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू जी। भैया नेक्स्ट लेक्चर लगा लेते हैं, लेक्चर 22 लगा लेते हैं। तो लेक्चर 21 में हमने मॉडल 1 को देखा, अनुभव को आधार में रखते हुए मेरे आचरण का क्या स्वरूप होता है, कैसे मानवतापूर्ण आचरण स्वयं में अनुभव से शुरू करते हुए मानवीय परंपरा तक जाता है, इस मॉडल को हम लोगों ने देखा था। अब एक दूसरा मॉडल हम लोग इसको स्टडी करते हैं, इनफैक्ट इसके डिटेल्स हम लोग UHV 4 में और विस्तार में करेंगे। अभी UHV 3 में इसको संक्षेप में एक लेक्चर में रखा गया है, इस पे UHV 2 में थोड़ी सी बात हुई थी, UHV 3 में इसको और थोड़ा फैला के रख रहे हैं, ज्यादा विस्तार से UHV 4 में रखेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो जैसा पिछले लेक्चर उन्होंने मेंशन किया था कि ह्यूमन कॉन्डक्ट को हम दो अलग कोणों से देख सकते हैं, तो मॉडल 1 और मॉडल 2 के रूप में। तो मॉडल 1 में देखा एक डिस्क्रिप्शन कंप्लीट ह्यूमन कॉन्डक्ट का, अनुभव से लेकर मानवीय परंपरा तक। मॉडल 2 में एक दूसरे प्रकार से इसको रखेंगे, मूल बात उतनी ही है, तो हम अनुभव से लेकर गति करते हुए कैसे मानवीय परंपरा तक जा रहे हैं उसकी बात हुई, और यहाँ पे हम उसी चीज को 3 भागों में रख के देखेंगे जी। तो एक बार क्लिक करिएगा भैया। तो मानवीय आचरण को हम इस रूप में भी देख सकते हैं, मूल्य, नीति और चरित्र। तो मूल्य जो हमें चिंतन में आते हैं, नीति जो हम कल्पनाशीलता में निश्चित करते हैं, और चरित्र जैसा हमारे एक्सप्रेशन में जाता है। तो किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार उसका आचरण है, उसको हम देखते हैं। तो एक तरीका वो है कि जितना जितना वो समझ पाएगा उतना उतना निश्चित आचरण से जिएगा। बट जब हम किसी व्यक्ति को समाज में देख रहे हैं जीते हुए, मोहल्ले में देख रहे हैं, है ना, आसपास देख रहे हैं, तो हमारा ध्यान किन किन मुद्दों पर जाता है, कैसे हम उसका मूल्यांकन करते हैं, और वैसे ही कैसे हम अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जिसको हम लोग बात करते रहते हैं, चरित्र की बात करते हैं, चरित्र का क्या अर्थ है इसको हम समझ सकते हैं, नीति का क्या अर्थ है इसको समझ सकते हैं, और मूल्य पे तो बात होती ही रही है। तो कोई व्यक्ति अपने जीने में किस प्रकार की नीति बनाता है, कैसे जीने के पूरे तौर तरीके ना विधि कार्यक्रम को तय करता है, ये उसकी नीति हुई, और परस्परता में जीता कैसे है, निर्वाह कैसे करता है, ये उसका चरित्र हुआ। तो समाज में अगर हम जब आकलन करते हैं कि व्यक्ति कितने मानवीय आचरण से जी रहे हैं, समाज की स्थिति क्या है, जैसे समाज की अगर बात करें तो हम संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, तो इस समाज के लोग कितने सभ्य हैं, इस समाज की संस्कृति कैसी है, इसको जब देख रहे होते हैं तो हम लोगों के जीने को, लोगों के स्वयं में किस प्रकार से विचार चल रहे हैं, किस प्रकार से
लोग आपस में व्यवहार करते हैं, किस तरह शरीर का रख रखाव करते हैं, किस तरह से लोग पालन करते हैं, किस तरह से लोग समाज की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक दूसरा एंगल है देखने का जिस पर हम लोग बात करेंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो मूल्य का मतलब हुआ एसेंशियली देखें तो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। तो मेरे मूल्य क्या है, यानी मेरी अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी क्या है। तो शुरुआत स्वयं से करेंगे, मैं में क्या चल रहा है। तो हम देखते हैं कि मेरी क्रियाओं में भागीदारी किस प्रकार से, परस्परता किस प्रकार से, क्या मेरी क्रियाएं ही परस्पर विरोधी हैं, क्या मेरे में ही एक विचार दूसरे विचार के विरोध में खड़ा हो जाता है, एक भाव दूसरे भाव के विरोध में खड़ा हो जाता है, या उसमें लय है, सामंजस्य है। तो स्वयं से शुरू करेंगे तो मुझ में मूल्य क्या है। वैसे ही मैं जब संबंध का निर्वाह कर रहा हूँ तो संबंध में मेरे मूल्य क्या है। जब मैं सुविधाओं के साथ निर्वाह कर रहा हूँ तो सुविधाओं के साथ मेरे मूल्य क्या है। और जो मैं अपने बारे में देख रहा हूँ वही मैं समाज के बारे में भी देख सकता हूँ, है ना। तो एक मानक रूप में क्या करना और क्या नहीं करना है, ये यहाँ से तय हो पाता है। जी नेक्स्ट भैया। नीति की बात करें तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये मूल्य में तय हुआ। कैसे करना है उसको, कैसे सुनिश्चित करना है जीने में, इसको हम नीति कहते हैं। तो इसमें योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन, जो फल परिणाम आते हैं उनका मूल्यांकन, उस मूल्यांकन के आधार पर पुनः फिर से कैसे योजना बनाते हैं, फिर से हम कैसे कार्यक्रम बनाते हैं, ये जो सतत चलते रहने वाला काम है इसको नीति में रखा। तो आप पाएंगे कि हम अपने जीने में भी कोई नीति बनाते हैं, मैं ऐसे जीऊंगा ऐसे नहीं जीऊंगा, ऐसे करूंगा ऐसे नहीं करूंगा। जैसे मुझे शरीर की आवश्यकता पूरी करनी है, हम एक उसके लिए नीति बनाते हैं कि शरीर की आवश्यकता मैं कैसे पूरा करूंगा। शरीर को स्वस्थ रखना उसकी एक नीति बनाते हैं। परिवार में व्यवस्था सुनिश्चित करना उसकी एक नीति बनाते हैं कि मेरे परिवार में आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, बच्चों का लालन पालन कैसे होगा, उनका शिक्षा दीक्षा कैसे होगा, उनका भविष्य के लिए क्या योजना कार्यक्रम बनेगा, एंड सो ऑन, है ना। तो नीति बनाते हैं व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर बनाते हैं, फिर आगे हम जाकर परिवार समूह के स्तर पर बनाते हैं। कोई कॉलेज में है, कॉलेज में हम नीति बनाते हैं कि कॉलेज में हमारा लक्ष्य क्या है, विधि क्या है, कार्यक्रम क्या है, उसे हम क्रियान्वयन कैसे करेंगे, फल परिणाम का मूल्यांकन कैसे करेंगे, किस दिशा में हमें जाना है, कैसे पूरा करना है, इन सब चीजों को। तो इसमें देखें तो मूल रूप से तीन नीतियां हैं, इस पर और विस्तार से बात करेंगे हम लोग। संवर्धन की नीति, संरक्षण की नीति और सदुपयोग की नीति। तो संवर्धन की नीति का अर्थ नीति। अब अर्थ क्या है अगर देखें तो हमारे पास अर्थ के रूप में क्या है, तो मन, तन और धन, ये तीन अर्थ हैं जिनका हमें संवर्धन की नीति के बारे में बात करनी है। तो मन मतलब स्वयं मैं, है ना, तन मतलब शरीर और धन मतलब जो भी सुविधाएं हैं। तो संवर्धन की नीति, तो मेरा जैसे मन कैसे बढ़े, मन बढ़ने मतलब कि मेरे स्वयं विकास कैसे। तो सेल्फ की अगर बात करें तो सेल्फ तो कोई बहुत ही रासायनिक वस्तु है नहीं, तो संवर्धन का मतलब अगर एसेंशियली देखें तो सेल्फ का विकास कैसे सही समझ सही भाव सुनिश्चित हो। तन की बात करें तो तन में स्वास्थ्य कैसे बना रहे, स्वास्थ्य पहले से कैसे बेहतर हो जाए। धन की बात करें तो जो हमारे पास सुविधा है उसमें अगर आवश्यकता नहीं पूरी हो रही तो कैसे बढ़े, और आवश्यकता को बार बार पूरा करने के लिए उसमें किस प्रकार से संवर्धन करना है, तो संवर्धन की नीति। वैसे संरक्षण की नीति, तो अपने संरक्षण की अगर बात करें तो मेरा निश्चित आचरण बना रहे, मेरे भाव विचार में है ना निश्चितता बनी रहे। शरीर की बात करें, शरीर संरक्षित रहे, स्वास्थ्य बना रहे, सर्दी गर्मी से बचा रहे। और सुविधा के संरक्षण की बात करें तो मेरे सदुपयोग के अर्थ में बना रहे, नष्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो मकान का संरक्षण कर रहे हैं, जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं उसका संरक्षण कर रहे हैं, कपड़ों का संरक्षण कर रहे हैं। अभी देखिए ठंड का मौसम बीत गया, हम सब ने ऊनी कपड़े कहीं ना कहीं अपने वार्डरोब में बक्से में पैक करके रख दिए होंगे बैग में, और हम लोगों ने फिनाइल की गोली वहां डाल दी होगी ताकि उसमें मतलब छोटे छोटे कीड़े भी ना लगे फिनाइल की गोली लगाकर। तो हमने क्या किया, उसका संरक्षण किया, हमने खाना बनाया और उसको ढक के रख दिया ताकि उसमें कीट पतंग ना गिर जाए, छिपकली ना चली जाए, तिलचट्टे ना चले जाए, है ना, मक्खी मच्छर ना गिर जाए। क्या किया हमने, संरक्षण किया। मकान हमने बनवाया और उस मकान के ऊपर हमने पुताई की, अंदर से भी किया और बाहर से भी किया, ताकि बाहर से क्या दीवार पे जो पानी गिर रहा है उससे दीवार खराब ना हो जाए, मकान की एक अच्छी
है ना, आयु बनी रहे, लंबे समय तक चलता रहे। अंदर से भी किया ताकि जब उसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो उसे टूट फूट ना हो, तो हमने मकान का भी संरक्षण किया और फिर सदुपयोग की नीति। तो मेरा सदुपयोग क्या है? मेरा सदुपयोग है कि मैं मानवीय परंपरा में भागीदार हो जाऊँ। ये मेरा सदुपयोग है। तन का सदुपयोग भी क्या है? ये एक साधन के रूप में मेरे मानवीय परंपरा में जो भागीदारी है उसमें भागीदारी करता रहे, एक साधन के रूप में। और सुविधा का सदुपयोग भी क्या है? कि मानवीय परंपरा में मेरी भागीदारी में शरीर के लिए आवश्यकता को पूरा करता रहे, यही सदुपयोग है। तो अगर इसको ठीक से देखें तो मुद्दा सदुपयोग से शुरू होता है। मुझे अपने अपनी भागीदारी को दिखाई दे, उसी भागीदारी के अर्थ में मैं संरक्षण भी करूंगा, उसी भागीदारी के अर्थ में मैं संवर्धन भी करूंगा। ये नीति की बात है, कैसे करेंगे इसको, कैसे पूरा करेंगे। जैसे हम सुबह उठकर एक घंटा दो घंटा साथ में लगा रहे हैं अपने आप में जांच परख करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, ये एक नीति बनी कि हर सुबह कम से कम एक घंटा ज्ञान के लगाना है कि नहीं, 24 घंटे में से कम से कम एक घंटा शुद्ध रूप से ज्ञान के लगाना है, एक नीति बनी। फिर वहां पे हमने कुछ योजना कार्यक्रम बनाया कैसे करेंगे, है ना, जूम पे कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा चलेगा, वीडियो ऑफ रखेंगे ताकि बैंडविड्थ बचा रहे, आवाज सबको ठीक से जाए। हमने जो ऐप चुना इस हिसाब से चुना कि सभी को ठीक से मैसेज चला जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, सूचना ठीक से चली जाए। उसको क्रियान्वयन भी कर रहे हैं, रोज सुबह एक घंटा पहले मेल आ जाता है ना, उस मेल पर क्लिक करते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उसमें हम जांच पर जो भी कर रहे हैं उसको शेयर करते हैं, फिर उसके फल परिणाम, जैसे अभी जो दो शेयरिंग हुई बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही, तो हम उसमें जो भी फल परिणाम आ रहे हैं उसका हम मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो एक नीति के तहत ऐसा कुछ हो रहा है। फिर वैसे वर्कशॉप्स हो रहे हैं शिक्षा को लेकर जो नीति बनाई जा रही है, परिवार में व्यवस्था को लेकर जो नीति बनाई जा रही है, उन सब पे हम भागीदार हो रहे हैं। तो ये नीति की बात है जी। नेक्स्ट भैया, तीसरा मुद्दा है चरित्र का, ये हमारा मानव के साथ शेष प्रकृति के साथ जीना कैसा है। तो मानव के साथ अगर हम देखें व्यवहार की बात, तो क्या मैं मानव के साथ व्यवहार में न्याय सुनिश्चित कर पाता हूँ? तो मेरे अगर मूल्य का चिंतन मेरे में हो रहा है, मेरी नीति मूल्य आधारित है, तो इसकी पूरी संभावना है कि मेरी भागीदारी व्यवहार में न्याय के अर्थ में होगी। बट जब कोई बाहर से व्यक्ति देख रहा है तो उसको तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर मूल्य का चिंतन हुआ है कि नहीं, उसको तो नहीं दिख रहा कि मेरे अंदर विचार क्या चल रहा है, बट वो ये जरूर देख पाता है कि व्यक्ति न्याय करता है या अन्याय करता है, क्रूशियल इश्यूज में निर्णय क्या लेता है आदमी, है ना, वो किसको ऊपर रखता है, अपने लाभ को ऊपर रखता है या संबंध को ऊपर रखता है, अपने हित को ऊपर रखता है या संबंध को ऊपर रखता है, अपने संवेदना को ऊपर रखता है या संबंध को ऊपर रखता है, ये अगले व्यक्ति को दिखाई देता है। तो व्यवहार में मैं न्याय कर पा रहा हूं कि नहीं, मेरे जो निर्णय है वो न्याय के अर्थ में है या अन्यथा है। न्याय उसी क्षण हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति उस बात को समझ पाएगा, उसे सुखी हो जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, परंतु जो मैंने निर्णय लिया वो न्याय के अर्थ में था कि नहीं, है ना। मैं पत्नी के साथ न्याय कर पा रहा हूँ कि नहीं, बच्चे के साथ न्याय कर पा रहा हूँ कि नहीं, जो घर में मेड आ रही है काम करने के लिए उसके साथ न्याय कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं कॉलेज पहुंचता हूँ जो वॉचमैन है उसके साथ मैं न्याय कर पा रहा हूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वॉचमैन ने गेट खोलने में 5 मिनट की देरी कर दी, हमने अपशब्द बोलने शुरू कर दिए, या गेट खुलने के साथ ही सुबह सुबह उसको हमने, है ना, लताड़ दिया। तो मेरा जो व्यवहार है वो दूसरे को दिखाई दे रहा है कि देखिए, कहने को तो ये ऊंचे पद पे बैठे हैं, डायरेक्टर हैं, डीन हैं, है ना, रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर हैं, जो भी, बट इनका व्यवहार देखिए कैसा है। तो इस व्यवहार को देखकर पता चलता है कि इनके विचार में क्या चल रहा होगा, यानी विचार में कुछ ऐसा है कि अगर इन्होंने हॉर्न एक बार दे दिया तो गेट खुल जाना चाहिए, नहीं तो अगला व्यक्ति अपराधी है, ऐसा कुछ विचार में चला होगा। और मूल्य में देखें तो मूल्य नहीं है, संबंध का भाव नहीं है। तो भाई वॉचमैन के साथ तो हमने ऐसा किया, ठीक, और जैसे ही कॉलेज में अंदर पहुंचे और अपने ऊपर किसी व्यक्ति से मिले, ठीक, अब उनके दरवाजे पे जाके हम चाहे आधे घंटे खड़े रहे, हम नहीं चीखते चिल्लाते, कहीं आधे घंटे बैठे रहे, खड़े रहे, उसके बाद कह दिया कि नहीं कल आना, हम नहीं चीख चिल्ला रहे। तो ये पूरा एक भेद दिखाई देता है कि हम अभी एक व्यक्ति के साथ कैसा भाव रखते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा भाव रखते हैं। तो
तो हमारा व्यवहार कैसा है, कितना न्याय के अर्थ में, वैसे हमारा कार्य कैसा है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है न्याय की अगर बात करें कि एक तो हम उभय सुख के अर्थ में व्यवहार करने के लिए, दूसरा जो पहले चूके हुई है हमसे व्यवहार में, ठीक है ना, क्या हम उसको भी ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमने स्पाउस के साथ पहले गलत व्यवहार किया, अब मुझे वो दिखाई दे रहा है, जब दिखाई दे रहा है तो क्या मैं उसको स्वीकार पा रहा हूँ या उसको इग्नोर करके जा रहा हूँ, और स्वीकार करके क्या मैं उस व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित कर रहा हूँ। मित्रों के साथ चूक हो गई होगी पहले, है ना, क्या मैं उसको स्वीकार पा रहा हूँ, क्या उसको मैं पुनः स्थिति में जा रहा हूँ जहाँ मैं अगले साथ संवाद स्थापित कर पाऊँ। तो फिलिंग द गैप जो है ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे कार्य की बात करें तो कार्य में भी मैं जो कुछ मेरे अलावा है, इनफैक्ट उसमें देखें तो शरीर को भी अगर देखें तो मुझसे बाहर है, तो शरीर की भी सुरक्षा, सुविधा की सुरक्षा, इन सब के साथ, इन सब के बारे में मेरा निर्वाह कैसा है, मैं शरीर का कितना ठीक से ध्यान रखता हूँ, मैं सुविधाओं का कितना ठीक से ध्यान रखता हूँ, संवर्धन संरक्षण सदुपयोग कितना कर पाता हूँ, और उसमें भी जो पहले गलतियां हुई, जो चूक हुए, उसको क्या मैं ठीक कर पा रहा हूँ। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जितना जितना हम सुविधा की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं उतना उतना हमको और कितनी सुविधाएं जुटानी है उसकी भी स्पष्टता होती है, और पहले से जुटाई हुई है उसका मूल्यांकन भी ठीक से कर पाते हैं। हो सकता है पहले से हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसका हम आकलन ही नहीं कर पा रहे थे ठीक से। ऐसे कई लोग शेयर करते हैं कि वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उन्होंने काफी समय से कपड़े ही नहीं खरीदे, या नई गाड़ी खरीदने का प्लानिंग चल रहा था घर में, ड्रॉप कर दिया, नया मकान बुक कराने जा रहे थे ड्रॉप कर दिया, थोड़े से इंक्रीमेंट के लिए कॉलेज बदल रहे थे आइडिया ड्रॉप कर दिया, है ना, इस सब अर्बन एरिया में रह रहे थे एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए शहर शिफ्ट होना चाह रहे थे मेट्रो में जा रहे थे, किसी आइडिया ड्रॉप हो गया। तो जो पहले से है उसका भी हम ठीक ठीक मूल्यांकन करते हैं, और आगे कितना और बढ़ाना है उसको भी हम ठीक से तय कर पाते हैं। तो वह समृद्धि के अर्थ में, तो जो भी मैं संग्रह कर रहा हूँ अल्टीमेटली वो प्रकृति से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे संग्रह के कारण प्रकृति क्षीण हो रही है, छत बिछत हो रही है, खराब हो रही है, हवा प्रदूषित हो रहा है, पानी का स्तर कम होता जा रहा है कि नहीं, खनिज कम होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं। एक बात आपको और यहाँ दिखाई देगी कि ये जो हमारे जीने में परिमार्जन हो रहा है, ऐसा करके हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं, ना हम दूसरे पे उपकार कर रहे हैं, ना प्रकृति पे उपकार कर रहे हैं, बल्कि ये सब करके मुझे स्वयं में सुख दिखाई देता है, समृद्धि का भाव दिखाई देता है। ये जो मैं अनावश्यक सुविधा संग्रह करता हूँ वो सर पे टोकरी ढोने जैसा है, अनावश्यक रूप से उस टोकरी में हमने अधिक से अधिक सुविधाएं भर ली हैं। एक तो उतनी टोकरी को भरने के लिए हमने इतना सारा समय और प्रयास लगाया, फिर उसको लेकर चल रहे हैं, है ना, फिर ये भी सोच रहे हैं कि अगला व्यक्ति उधर ध्यान दे, देखो मेरी टोकरी में कितना सामान है, उसका बोझ उठा रहे हैं, उसका थकावट अलग है, कहीं वो गिर ना जाए उसका भय अलग है कि नहीं। तो ऐसे दिखाई देगा अपने को कि जितना जितना हमको सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट होती है उतना उतना ये जो अनावश्यक संग्रह मैं कर रहा हूँ एक भार के रूप में दिखाई देने लगता है, और जो प्रकृति है उसके साथ संबंध दिखाई देने लगता है, ये जो सुविधा आ रही है प्रकृति से आ रही है, इसका मैं संवर्धन ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं, संरक्षण ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं, सदुपयोग ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं, और अभी जो चूके हुई है ना उसको मैं कॉम्पनसेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, कर पा रहा हूँ कि नहीं। वैसे ही है ना चरित्र की अगर बात करें तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष ये भी उसके साथ जुड़ता है। तो जब मैं सुविधाएं जुटा रहा हूँ वो सही विधि से प्रकृति पे श्रम करके जुटा रहा हूँ, या दूसरे को छीन झपट करके ला रहा हूँ, या प्रकृति को छीने झपने या मनुष्य को छीने झपने, है ना। अभी आप देखिए कि जिस तरह की लोलुपता बन गई है समाज में उसमें अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्वधन की प्रवृत्ति नहीं बन रही है अभी, मतलब पढ़ाई पूरी हुई नहीं कि हमें करोड़पति बनना है, अभी काम शुरू किया नहीं कि यूनिकॉर्न में शामिल होना है कि नहीं, अभी बिजनेस शुरू किया कि नहीं किया कि अभी फैल जाना है पूरे विश्व में, और उसके लिए कितने सारे अपराध हो रहे हैं, उसमें कितना सारा अन्याय कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं, और शेष प्रकृति के लिए। तो हम स्वधन को पूरा कर रहे हैं या अन्यथा चल रहे हैं। वैसे ही जो पति पत्नी संबंध है उसमें चैस्टिटी को
मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, इंश्योर कर पा रहा है कि नहीं। अभी आप देखिए तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष को लेकर चूके हो ही रही है ना, और वो धीरे धीरे फैल रहा है मॉडर्निटी के नाम पे, ये चीजें और धीरे धीरे फैल रही है। और कई बार ऐसा लग रहा है कि अब लोगों ने इसको एक एक्सेप्टेड नॉर्म के रूप में मानना शुरू कर दिया कि ये तो होगा है ना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तो गलत विधि से पैसा कमाना पड़ेगा, और इतना तनाव है परेशानी है कि आपको ये सब वॉयलेट करना पड़ेगा स्वनारी स्वपुरुष, इसके कारण बहुत सारा समाज में कुरीतियां भी तैयार हो रही। तो चरित्र का ये मुद्दा है। तो जब दूसरा व्यक्ति मुझे देखता है तो मेरा आकलन इस रूप में करता है कि मेरा व्यवहार कैसा है, कार्य कैसा है, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष का मैं निर्वाह कर रहा हूँ कि नहीं जी। तो एक एंगल ये है देखने का, एक एंगल हमने लिया कि जब हम स्वयं में ज्ञान से समाधान, समाधान से मान्यतापूर्ण आचरण तक जा रहे हैं तो एक विधि है। दूसरा विधि ये है कि है ना, जीने को अगर देखते हैं तो चरित्र रूप में देखते हैं, उसके आधार में जो विचार है उसका अनुमान लगाते हैं, उसके आधार में जो समझ बनी है मूल्य के रूप में देख पाते हैं। एक दूसरा एंगल ये है जी। इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया, बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है, और एक महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा निकल के जो आई है कि जब तक मानव में मुझे संबंध नहीं दिखेगा तब तक अभी संपत्तियां या जो भी हमारी संवेदनाओं से जुड़े मैटर हैं या शरीर जो हम अपने को माने हुए हैं, यही अभी इसी की जीत हो रही है। लेकिन जैसे जैसे मुझे मानव में संबंध दिखेगा कि हम फिर जिन गलतियों के कारण अभी हम विवाद में चले जाते या विरोध में चले जाते हैं, वो उस पर हम विरोध में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने मानव को स्वीकार कर लिया है। तो मेन है मानव की स्वीकृति। अभी जैसे जैसे ये मेरे में बढ़ रही है कि मैं सब में संबंध देख पा रहा हूँ। कल हमारे पास एक ऐसा मैटर आया कि लड़की इंजीनियर है और वो कह रही है कि मेरी शादी करवा दो, और लड़का जो है वो शादी के लिए राजी नहीं है। तो मैं उस लड़की के साथ करीब 1.5 घंटे बैठा, और बहुत ही सुलझी हुई लड़की है वो, पिता उसके है नहीं, और जो है वो खेती बहुत अच्छा करती है क्योंकि घर में खेती है, तो 5 बहनें हैं वो। तो अब ऐसे जो वो आ रहे हैं, ये इनके लिए जो मध्यस्थता करने वाला जो समाज है, जो चीजों को सॉर्ट आउट कर देता था आपस में, उनकी भी लगातार कमी हो रही है। लोग सुविधा के कारण इतने बिजी हो गए हैं कि वो संबंधों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे एक पॉइंट समझ में आया कि ऐसे लोग तैयार हो करके यदि समाज के जो भी प्रॉब्लम है उस पर काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित है कि चाहत में तो हर आदमी के कहीं ना कहीं वो सुखी ही होना चाहता है। तो ये जो स्वीकृति जैसे जैसे बनेगी, वैसे वैसे समाज संबंध देख पाएगा, और जिस जो धन के कारण विवाद हो रहे हैं, जब से संपत्ति बंटवारे आए हैं तो भाई भाई, भाई बहन एक दूसरे के विवाद में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीजें हमें समझ में आएंगी, हम मानव में संबंध देख पाएंगे, और वहां से मानव मानव संबंध वास्तव में परिभाषित हो पाएगा। तो इतनी बात मैं भैया शेयर कर रहा था। संरक्षण संवर्धन और सदुपयोग पर जो आपने बोला वो बहुत ही सार्थक चर्चा है। तो अपने में एक समृद्धि का भाव भी दिखता है। पहले मेरे घर में भी ऐसा था कि सब कुछ होते हुए भी अभाव था। अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमारे पास संपत्ति के रूप में पहले से ही ज्यादा थी, लेकिन मेरी पत्नी को लग रहा था कि नहीं ये तो कम है क्योंकि हमें दौड़ में शामिल होना है, लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि ये तो ज्यादा है और इसको सदुपयोग में लगाना होगा। तो ये शिफ्टिंग जो होती है, यही एक बड़ी शिफ्टिंग है। हम सर्व सुख की ओर जा पाते हैं, हम मानव में संबंध देख पाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो सर्व सुख के लिए हुआ है। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उससे जो हमें खुश सुखी सुख प्राप्त होता है वही वास्तविक सुख है। तो इधर हम बढ़ पाते हैं। भैया बहुत बढ़िया शेयरिंग। बढ़िया भैया, और का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो भैया बहुत ही, आज का तो टॉपिक बहुत बढ़िया खुल गया है। तो पहले जो दो शेयरिंग हुई है उसमें से मैं दूसरे के साथ हूँ, मतलब पॉजिटिव वे में हूँ। UHV ने काफी इम्प्रूवमेंट लाया है और आ रहा है। अभी जो भैया आपने 3 पॉइंट सामने रखे है, एक था आपका संवर्धन अर्थ नीति, दूसरा था आपका संरक्षण, और तीसरा है धर्म नीति।
इसमें से भैया थोड़ा सा धर्म नीति के ऊपर अगर आप थोड़ा डिस्कस करेंगे तो बढ़िया रहेगा भैया। धर्म नीति मतलब सदुपयोग की नीति, राजनीति मतलब संरक्षण की नीति, और अर्थनीति मतलब संवर्धन की नीति। तो जैसे अगर हम समाज के स्तर पर देखें तो इस तीन तरह की नीतियां हम बनाते ही। तो अगर धर्म नीति का मतलब होगा कि लोग अपने समय का, अपने तन मन धन का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं। संरक्षण मतलब ये चीजें जो है, है ना, वो बनी रहे। और संवर्धन मतलब, अर्थनीति मतलब बढ़े, आवश्यकता सबकी पूरी हो, संवर्धन बढ़े जब क्या आवश्यकता पूरी हो। तो अगर जैसे हम देश के स्तर पर देखें, उसको देखते ही हैं, तो धर्म नीति का मतलब हुआ कि देश में कितना लोग आपस में परस्परता में ठीक से जी पाए, लोग अपना लाइफ कितना वैल्यूबल बना पाए, कितने अच्छे से अपने जीवन के लक्ष्य को तय करें, समय का सदुपयोग करें, जो उनके पास असेट्स हैं उनका ठीक से सदुपयोग करें, है ना। ये धर्म नीति की बात हुई। राजनीति मतलब कि संरक्षित रहे चीजें, लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, जो खनिज संपदा है, वन संपदा है, है ना, ये सब मिट्टी है, हवा है, पानी है, सब संरक्षित बना रहे। और संवर्धन का मतलब कि सबकी आवश्यकता पूरी हो, अगर कहीं कमी है तो उसको हम संवर्धित करेंगे ताकि सबकी आवश्यकता पूरी हो। तो स्वयं के स्तर पर भी देख सकते हैं, परिवार के स्तर पर भी देख सकते हैं, है ना, हम किसी राष्ट्र के स्तर पर भी देख सकते हैं, पूरी धरती के स्तर पर भी देख सकते हैं। तो अभी जैसे देखें तो दिखता है कि अभी युद्ध हो रहे हैं, युद्ध के लिए इतना सारा दुरुपयोग हो रहा है संसाधनों का कि नहीं, कहीं पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और अरबों खरबों की संपत्ति हम युद्ध के लिए लगा रहे हैं। करेक्ट जी, बिल्कुल उपयोग ठीक नहीं है, सदुपयोग नहीं हो रहा है ना, इतना सारा दुरुपयोग हो रहा है, संरक्षित भी नहीं है चीजें, क्योंकि देश आपस में सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर घर में हो रहा है, राज्य राज्य में हो रहा है, देश देश में हो रहा है, ये सब चल रहा है नहीं। और बढ़ाने में सीमा तय ही नहीं हो पा रही है, तो कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कहीं जो आवश्यकता वो भी पूरी नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने इतना पैसा संग्रह कर लिया है कि वो 20 मिनट के प्लेजर के लिए 2.5 करोड़ रुपया देने को तैयार है, है ना, ट्रैवल करना उनको। जी भैया, फिजिकल फैसिलिटी 2.5 करोड़ रुपए में, है ना, यानी कितने लोगों की आवश्यकता पूरी जाती है और नहीं कर पा रहे हैं। जी बढ़िया। तो भैया एक एक ही मिनट लेता हूँ। तो ये जो गवर्नमेंट जो करती है, ये तीन पॉइंट की पॉलिसी के बारे में अगर हम सोचेंगे, तो अर्थनीति को हम बोलेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट, राजनीति को हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और धर्म नीति को भैया हम क्या हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। तीसरा ये पॉइंट था मेरा, जहां तक वो देख लेंगे। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, अब ये इन तीनों नीतियों को ठीक से निर्धारण करने के लिए और सुचारू रूप से इसका अनुपालन करने के लिए हम कुछ एक नाम दे सकते हैं। तो जैसे संवर्धन के लिए जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, ठीक, वो उत्पादन पे भी ध्यान देगा। तो बिल्कुल अभी तो खेती का भी ध्यान देंगे, माइक्रो स्मॉल स्केल और, है ना, मीडियम, माइक्रो एग्रीकल्चर या बाकी जो कुछ भी अभी डेवलपमेंट चल रहे, बढ़िया ध्यान देंगे, इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान देंगे, आईटी पे भी ध्यान देंगे, सॉफ्टवेयर बनाने पे भी ध्यान देंगे, तो इन सब चीजों पे ध्यान देंगे ताकि हमारी आवश्यकता ठीक से पूरी हो। जी बिल्कुल, संवर्धन पे अब उसके डिपार्टमेंट हम तय कर लेंगे, देश के स्तर पे क्या डिपार्टमेंट बनेगा। हाँ, धीरे धीरे, मतलब हम जो अभी सभी से रिलेटेड है तो थोड़ा उसी आधार पे, अगर ये सभी, अल्टीमेट मुद्दा यही है कि सब में यूएचवी हो जाए, सभी ने यूनिवर्सल वैल्यू की तरफ ध्यान देना जरूरी। जी भैया जी, नमस्ते, बहुत बढ़िया। सबके अंदर मूल्य का चिंतन हो जाए, ये मुख्य मुद्दा। जी 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 भैया, बिल्कुल बिल्कुल, मूल्य का चिंतन होने लगेगा तो नीति और चरित्र में तो ठीक ठीक जीना होने लगेगा। ऑटोमेटिक ये जो पॉलिसीज है वो अपने आप आई जाएगी, लेकिन मुख्य मुद्दा है कि वो ह्यूमन वैल्यू से आपका वो जो शुरू हो जाना चाहिए, फिर वो पॉलिसीज और आती है। जी भैया, बढ़िया चर्चा चल रही। जी धन्यवाद, नमस्ते सभी को। भैया थोड़ा सा, अभी मैं कल की एक घटना के साथ न्याय व्यवस्था को जोड़ के देख रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस पे बात करना चाह रहा था कि हम जैसे अभी जो कार्य कर रहे हैं, एक जो प्लेटफॉर्म है उस पे खड़े होकर के, तो वहां कहीं लगता है कि किसी चीज का दुरुपयोग हो रहा है, सामने वाले के द्वारा दुरुपयोग हो रहा है। जैसे शासन ने पैसे दिए हैं सदुपयोग करने के लिए संस्था में, अब आप पे जिम्मेवारी आ गई है कि आपको तो उसको सदुपयोग में लगा करके अधिक छात्र हित में ही लगाना है,
और वहीं आप एक टीम वर्क में काम करते हैं और चार लोग उसके साथ जुड़ करके ये चाहते हैं कि नहीं इसमें इतना परसेंटेज हमारा होना चाहिए, तो उसमें जब हम जिस दृष्टिकोण से जिस भाव से काम कर रहे हैं सामने वाले उस भाव से काम करने में सहयोग नहीं दे पाते क्योंकि वो एक समिति के रूप में काम करना है, तो वहां बड़ी दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में न्याय व्यवस्था में चलने में या तो उनके साथ पत्राचार की कार्रवाई के रूप में उतरे या फिर डायरेक्ट मुठभेड़ मुख से करें, या फिर ये कि आप अपने कौन जैसा बनाएं या पूरे टाइम विरोध के साथ चलते हुए आप अपने आप को मेंटेन करें, तो ये थोड़ी सी न्याय व्यवस्था में मैं मार्गदर्शन चाह रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। नहीं, करने का काम तो यही है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं जो आपके सहकर्मी हैं उनमें सही समझ सही भावन शुरू, पहला काम तो यही है, क्योंकि तो उनके अंदर अगर दरिद्रता का भाव होगा तो चाहे आप उनको शासन पूर्वक नियंत्रित करें या दंड पूर्वक नियंत्रित करें किसी प्रकार से करें, अल्टीमेटली उभय सुख का कार्यक्रम नहीं बन पाएगा, उभय समृद्धि कार्यक्रम नहीं बन पाएगा। तो अगर हम उनके अंदर सही समझ सही भाव के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बना पाते हैं तो धीरे धीरे वो भी अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचान पाएंगे। जी भैया, वही चीज मैंने अपने अंदर भी एक देखी है, इसी को लेकर के मैं मेरे अंदर भी एक घटना घटी है कि मान लो मेरे अंदर कोई गलत संस्कार है और उसको मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे उसके लिए दंडनात्मक नीति खुद के प्रति भी अपनानी पड़ेगी क्योंकि वो ठीक हो ही नहीं रहा है, प्यार से उस संस्कार को ठीक करना चाह रहे तो वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी फिर मेरे को अपने आप में भी एक जजतापूर्ण मतलब एक कठोर निर्णय स्वयं के प्रति लेने की आवश्यकता है। तो फिर उसको अन्याय या न्याय किस रूप में, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बार बार अपने संस्कार को बदलने का मतलब स्पष्ट भी हो गया है कि हाँ ये मुझे चेंज करना है और ये चेंज नहीं करूंगा तो मेरा ये आगे का कार्यक्रम नहीं बन पाएगा, तो वहां तटस्थ होकर के स्वयं को बदलने के लिए क्या मैं जब दंडात्मक नीति स्वयं के प्रति अपनाता हूँ तो क्या वो न्याय व्यवस्था में सही होगा, जैसे वहां मैं उन लोगों के लिए दंडात्मक नीति अपना कर उनको सुधारने या फिर उनके भाव को चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ तो सेम टू मेरे अंदर भी वही कंडीशन है, तो कभी कोई गलत संस्कार को बदलने के लिए तो यहाँ थोड़ा न्याय व्यवस्था को समझना था। ये देखिए, न्याय तो दो मनुष्यों की परस्परता में है और अपने को हम दंड क्यों देंगे, हम अपने में परिमार्जन के लिए काम करेंगे, सही समझ सही भाव के लिए काम करेंगे, जो गलतियां हुई उनको स्वीकारेंगे, तो दंड देने का मुद्दा नहीं है अपने आप को भी, और दूसरे को दंड देने का मतलब इतना ही है कि उसमें सुधार हो पाए, कोई विरोध के भाव से दंड नहीं दे रहे, किसी अगर मान लीजिए गबन किया है कोई गलत किया है तो हम उसको इंगित करते हैं, उसको हम कहीं समाज में एक अलग जगह जिसको जेल या कैदखाना कहते हैं हमने रख दिया ताकि कम से कम बैठे बैठे अपना मूल्यांकन करें। तो इन सब पे जब विस्तार से बात करेंगे समाज में UHE 4 में ज्यादा डिटेल में इसमें हम लोग बात करेंगे, बट मुख्य बात यह है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं अगर वहाँ लोगों का जीना ठीक नहीं है, चारित्रिक कठिनाइयां हैं, स्वधन को बजाय परधन के लिए काम कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनमें हमको दिखाया था उनकी नीति गलत हो गई है जीने की। नीति क्यों गलत हो गई है? क्योंकि मूल्य का चिंतन नहीं हो पाया। तो प्राइमरी टास्क तो ये है, ठीक है ना? और हमको ये दिखाई देता है कि मेरे भी सुविधा के अवसर को पूरा करने के लिए एकमात्र अवसर यही है, ऐसा नहीं है। तो अगर लगता है कि नहीं इनमें बहुत समय लगेगा और मुझे कहीं ना कहीं अव्यवस्था में शामिल होना पड़ेगा तो वहां से निकल के मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मैं व्यवस्था में निश्चित भागीदारी कर पाऊं। ऐसे कई उदाहरण भी देखने को अपने को मिले हैं कि कोई अगर ऐसी जगह काम कर रहे थे जहाँ पे स्वधन का वायलेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, तो निकल के बाहर आ गए कि नहीं भाई हमें यहाँ नहीं काम करना, कहीं और काम करेंगे जहाँ पे हम कुछ समाज के लिए सार्थक कर पाए। जी जी भैया, ठीक ठीक, बढ़िया भैया। वैसे समय होने वाला है, एक हैंड और रेज्ड है समय कम है। जी हाँ जी, हाँ जी, ये राइट यूटिलाइजेशन को हिंदी में कौन सा शब्द बताया आपने? सदुपयोग। सदुपयोग, अच्छा अच्छा, सदुपयोग संवर्धन संरक्षण, ओके। तो इसी को हम यदि ये देखें कि वर्ण व्यवस्था के साथ कंपेयर करें तो हमें वही लगता है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है वो शायद इसी तरह से बने होंगे और फिर वो जाति व्यवस्था बन गई डिग्रेड होकर। कहीं पे भी हम होते हैं तो हम अपने काम को तो क्लासिफाई कर ही लेते हैं ना, जैसे अगर आप इस ऑफिस में भी काम करते हैं तब कहते हैं भाई ये Grade 4 के एम्प्लॉय है, ये Grade 3 के एम्प्लॉय है, Grade 2 के एम्प्लॉय है, तो हर भागीदारी के आधार पर हम कुछ आपस में वर्गीकरण कर लेते हैं। हाँ, मॉडर्न सिस्टम में जैसे जो पढ़ाते हैं तो ये सब ब्राह्मण हो गए, जो मिलिट्री में है वो सब क्षत्रिय हो गए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सब वैश्य हो गए, इस तरह से एक वर्ण व्यवस्था बन गई, बाद में वो डिग्रेड होते हुए जाति व्यवस्था में बदल गई। जी, तो हम किसी रूप में अपने कामों का
भागीदारी का वर्गीकरण तो करते ही हैं, ये काम इनका है ये काम उनका है। कठिनाई तब होती है जब मूल्य का चिंतन नहीं होता, तो हम कहीं ना कहीं उसमें भेद लगा देते हैं, ये काम छोटा ये काम बड़ा। तो जो व्यक्ति टॉयलेट की क्लीनिंग कर रहा है वो कोई ना कोई तो करेगा ही। अब हमने मान लिया कि ये काम छोटा है और दूसरे काम को मान लिया कि बड़ा है, वहां पे फिर समस्या शुरू होती है। तो कहीं भी हम होते हैं कामों का वर्गीकरण करते हैं, घर में भी हैं तो भाई ठीक है, किसी की जिम्मेदारी खाना बनाने की, भले आज की अगर बात करें तो आज आपकी जिम्मेदारी कल भले मेरी जिम्मेदारी हो जाए ना, बट किसी की जिम्मेदारी खाना बनाने की, किसी जिम्मेदारी बच्चे को देखने की, किसी की जिम्मेदारी बाजार से सब्जी लाने की, किसी की जिम्मेदारी है उत्पादन करके लाने की, तो हम वहां पे भी कामों का वर्गीकरण तो करते हैं। मुद्दा सम्मान का फंसता है, क्योंकि मूल्य के चिंतन को हम आधार में नहीं रखते हैं, इसलिए नीतियां तो फिर वो जाकर भेद विभेद में जाता है, फिर संघर्ष में जाता है। यस, धन्यवाद, बढ़िया भैया। भैया नेक्स्ट स्लाइड बस एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग तो हम लोग कल जब बात करेंगे मूल्य के ऊपर तो ये सारे मूल्यों की बात करेंगे। टोटल काउंट करें तो 30 मूल्य के रूप में दिखाई देते हैं, इनको हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के असाइनमेंट ग्रुप में है तो मूल्य नीति चरित्र पे जितनी हम लोगों ने बात की उसको थोड़ा अपने कल्पनाशीलता में फैला कर देखें, जितने भी शब्द आए मूल्य नीति चरित्र ये 3 शब्द आए, संवर्धन संरक्षण सदुपयोग ये 3 शब्द आए, तन मन धन ये शब्द आए, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार ये 3 तरह के शब्द आए, इन सब के थोड़ा हम विस्तार में जाएं, अपनी कल्पनाशीलता में फैलाएं, उसको जीने से जोड़ कर देखें। तो अभी हम आज जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं हम देखें वहां पर कि ये शब्द कैसे अप्लाई होते हैं, घर में काम करें देखिए शब्द कैसे अप्लाई होते हैं, यहाँ कहाँ मूल्य है, कहाँ नीति है, कहाँ चरित्र है, इसको हम देखें, फिर कल हम लोग और इस पर विस्तार से बात करेंगे।